अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भरा मियाँ मुहम्मद अफजल बटू ते तुसी वेखदे पे हो डिजिटल किसान पाकिस्तान। मेरे किसान वीर भराओ, सैलाब के बारे में अपने वीर भराओं नूं खबर देना भई पानी दरिया सतलुज वधदा पिया या घटदा पिया तो हुण किस मुकाम ते है। तो किसान वीर भराओ, रिपोर्ट अपने को आ गई, आपां हो गए थोड़े जे लेट। तो रिपोर्ट हैगी जी 10 बजे वाली, रात 10 बजे की। तो अज है मेरा ख्याल 23 अगस्त 2023। तो रिपोर्ट मैं अपने वीर भरा दसन तो पहला दसदा चला भी हिंदुस्तान वाली साइड से की पोजिशन है, उन्होंने खबर तो मीडिया से सोशल मीडिया की कहता है। उन्होंने कहना भी पंजाब में कल जो दिन गुजर गए रात बारिशा मजीद पैदा पे हरियाणा तो चंडीगढ़ में, तो अगले 2 दिन तक वो कहते हैं मजीद बारिशा उसन दियाँ। तो ना ही उन्होंने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तो 25 अगस्त को कहते हैं पूरे पंजाब चढ़ते पंजाब बारिशा हो गई, तो ना ही येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो उन्होंने खबरों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में भारी बारिशा हुई ने, जिन्हों की वजह नाल पोंग डैम ते फागड़ा डैम में पानी की आमद में इजाफा हो रहा है। तो किसान वीर भराओ, फागड़ा डैम ते पोंग डैम में पानी जिहड़ा ना उन्होंने जारी कर दिता है सीधा हरीके वाली साइड के हरीके हैड वल। तो ना ही उन्होंने जनाब चढ़ते पंजाब हाई अलर्ट स्कूलों वास्ते भी जारी कर दिता है भी 26 अगस्त तक सरकारी ते निजी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। तो दोस्तों जिहड़ा हरी के हैड है उतों अपने वाले जिहड़ा उन्होंने पानी छड़ दिता है, अज 1,40,450 क्यूसिक उन्हें अपने वाले पानी छड़ दिता है। तो कल शाम तक मजीद पानी वध सकता है, ये हुण किन्ना वधदा है वो फिर उन्होंने जो रिपोर्ट आएगी या वो खबर दसणगे वो मैं अपने वीर भरा कल जरूर दसागा। लेकिन जी पोजिशन हूँ अपने वाली साइड है वह मैं अपने वीर भरा दसदा चला। हैड गंडा सिंह के मुकाम तो जी गई 20.70 तो पानी का अखराज 1,18,652। ये मेरा ख्याल है सुबह की जी पोजिशन है ना पानी की रुकी खड़ी हैगी है, इस जगह पर पानी स्टेबल हो गया है। हूँ अगर वो 1,40,000 रेला आएगा तो पानी में हैड गंडा सिंह इजाफा होना शुरू हो जा सीधा, मेरा अंदाजा है या ये जिस तरीके उन्होंने रिपोर्ट है या उन्होंने मीडिया दसता भी है भी अपने वाले पानी में फिर एक बार इजाफा होना इतने शुरू हो जाए। अगर हैड गंडा सिंह कल तक थले नहीं जाता तो फिर हो सकता है पानी में इतने इजाफा हो जाए क्योंकि काफ़ी देर का इतने स्टेबल खड़ा है। इस तरीके अगर आप हैड सुलेमान की मुकाम से आ जाने तो 569.90 गए जो अपस्ट्रीम वाली साइड से, तो अपस्ट्रीम वाली साइड से जो पानी आता पे है आमद है 1,52,966 है। इस तरीके डाउन स्ट्रीम है गेज 568.50 डाउन स्ट्रीम वाली साइड 1,52,966 इतने भी पानी जोड़ा ने एक बार स्टेबल होया खड़ा है। अगर पिछों मजीद पानी आ जाता है तो फिर इस जगह पर भी गंडा सिंह वधेगा तो फिर इतने भी बच जाएगा। तो तीनों नहर हाली तक बंद ने, तो रोज़ाना की बुनियाद पर लोग मैनू ना कॉल करके वट्सअप करके कहते हैं भी सादगी नहर या फोर्ट नहर या पागवन वाली नहर कदों छुट्टेगी। तो मैं उन्होंने दिलचस्पी तो पता चल जाता है भी लगता है इन्होंने बेचारे के भी दाई सुकते पे ने। तो मैं अपने वीर भरावान दसिया भी जो 90,000 तक हैड सुलेमान की तो क्रॉसिंग होगी ना पिछले 90,000 गुजरता पे है उस वेले सैलाब का खतरा तकरीबन टल जाएगा, तो पिछले थोड़ा पानी रह जाएगा 90 तो थले फिर वो जड़िया ने ना लैंक नहर सॉरी तीनों नहर खोल देवे उन्नी देर भाई तुम्हें आपके पीटर चलाने पैसण के। तो अगे आप पहुँच जाने जी हैड इस्लाम वाली साइड से जी है गेज अपस्ट्रीम वाली साइड से 453.00 तो पानी बई उत्थे वध गया जी 84,826 क्यूसिक हो गया है। इस तरीके डाउन स्ट्रीम वाली साइड तक जी गेज 453.00 तो पानी का खराज है 83,326 क्यूसिक। अगे आप चले जाने मैलसी सैफन के मुकाम से 56,926 पानी उत्थे हो गया जी, तो अखराज भी 56,926 है। लेकिन किसान वीरो हुण समझ लो घंटिया के हिसाब नाल हैड इस्लाम वाली साइड से पानी वधदा जाना है। इस तरीके मैलसी सैफन के मुकाम से वधदा जाना है, जिनी तक हैड 5 नाल तक नहीं पहुँचता ये पानी में इजाफा ही हुंदा जाएगा। तो जो पोजिशन सानू नज़र आती भी इंडियन सोशल मीडिया की तरफों या उन्होंने मीडिया की तरफों जिस तरीके उन्होंने कहना है भी बारिशा हिमाचल प्रदेश भी हो रही ने सख्त हो रही, बदल फटते पे ने, उस तरीके पंजाब भी कह रहे हैं पूरी बारिशों तो सारिया बई बारिशों का पानी दरियावे आएगा तो फिर सिद्धा डैमों अखराज उन्होंने जो पानी छड़ा हुआ अपने वाली साइड से पौंग डैम भी उन्होंने छड़ा हुआ तो बागड़ा भी कुछ छड़ा हुआ क्योंकि टोटल उन्होंने बंद नहीं किए सन। लेकिन जो हम सू नज़र आता पे 1,40,000 उन्होंने अज छड़ा हुआ पानी अपने वाली साइड से। इस वास्ते मैनू जो मालूम होया रिपोर्ट के मुताबिक हैड गंडा सिंह पानी जो स्टेबल हो गया एक जगह पर ठहर गया, अगर सुबह तक इतने पानी नहीं घटता है तो फिर समझो भी इतने पानी के इजाफा होना
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ ਰੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈਡ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੰਮਾ ਬਲੰਮਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਹਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਸ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾਓ ਇਹਨੇ ਇੰਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਰੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਸ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ 4 ਲੱਖ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮੇਨ ਮਿਲੇ ਉਹ ਖਬਰ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਓ ਨਾ। 4 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਵਾਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 1,40,000 ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,55,000 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਹਤਮੀ ਉੱਥੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਕਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 6-7 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਮੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਸਲ ਬੱਟੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।